दिवाली को लेकर जहां आम जनता में उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं जिला प्रशासन भी इस बात की तस्दीक करने के लिए कि इस बार की दिवाली में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए कमर कस चुका है। जिलाधीश राकेश प्रजापति इसके लिए बकायदा प्रशासन के दूसरे अधिकारियों के साथ बैठकें करने की बात कह रहे हैं। राकेश प्रजापति की माने तो अब जिला भर के तमाम एसडीएम के साथ बैठक करेंगे कि निकट भविष्य में दुकानों में लगने वाले पटाखे और मिठाई की दुकानों में निरंतर चेकिंग की जाए। इसके साथ ही सीएमओ कांगड़ा के साथ भी बैठक की जाएगी ताकि इन दिनों कोरोना की चल रही सेकेंड वेव से बचा जा सके। जिलाधीश राकेश प्रजापति ने उन लोगों से भी अपील की है जो अपनी परचून की दुकानों में पटाखे बेचते हैं कि वो अपने एसडीएम से जरूर परमिशन ले। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी स्टैंड बाई में रहने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि एन वक्त में अप्रिय घटना घटने पर तुरंत मौके पर उन्हें भेजा जा सके। देखिए, दिवाली को लेकर हर साल हम लोग एक छोटी सी बैठक करते हैं। इस बार भी एसडीएम्स को निर्देश दिया गया है कि रेगुलर चेकिंग करते रहें, और इस बार खास एक अपील लोगों से की गई है कि क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है और आने वाले ठंडियों में हम सेकेंड वेव जो कोरोना का है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो लोग सावधानी बरतें और हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जो भी एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं उसको उसका पालन करें। साथ ही साथ बहुत सारी मिठाइयों के स्टॉल्स लगते हैं, उनकी भी चेकिंग हम आने वाले समय में करने जा रहे हैं। और जो लोग पटाखे बेच रहे हैं बिना परमिशन के ना बेचें, और जो रिटेल में बेच रहे हैं वो लोकल एसडीएम के बिना परमिशन के ना बेचें, ऐसा दिशा निर्देश जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए, इसमें जो हमारा फायर डिपार्टमेंट वो अलर्ट पर रहता है और आमतौर पर हमारी कोशिश ये रहती है कि इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन जिस दिन दिवाली होगा उसके आसपास हमारे जो एसडीएम्स हैं 24/7 अलर्ट रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसी कोई अप्रिय घटना ना होने दिया जाए। बिल्कुल, ये हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं। सीएमओ साहब के साथ एक बैठक हुई थी, उसमें इन बात पर, इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है।